नहीं हुई है आई थिंक अभी. अब हम ये फिल्म जिस देश की उस देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं और 23 सितंबर ये फिल्म रिलीज़ होगी. सो वी वेरी हैप्पी कि जो हमने सोचा था कि जिस किस्म का रिस्पांस हमें मिलना चाहिए वो दुनिया भर में मिला है. जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे इतने सारे अवार्ड्स और इतने सारे फेस्टिवल्स में फिल्म जा चुकी है. बट ये पूरा क्रेडिट लीना और सब एक्टर्स और टेक्नीशियंस और पूरी टीम को जाता है. राइट. वन मोर थिंग, यू सेड कि ये फिल्म महिलाओं के लिए नहीं मर्दों के लिए. जस्ट एलैबोरेट. महिलाओं के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से महिलाओं को ज़्यादा नहीं सीखना. महिलाओं के साथ क्या हो रहा है महिलाओं के बारे में मुझे लगता है मर्दों को सीखने की ज़रूरत है कि वो महिलाओं के साथ महिलाएं क्या हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए. वाओ. और इसी के साथ मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द वेरी गॉर्जियस कनिष्ठा चैटर्जी लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑफ कोर्स सुरवीन चावला. तनिष्ठा, इट हैज बीन अमेजिंग. मतलब इतने सारे रेड कार्पेट्स यहाँ वहाँ जा रही है, इतने सारे अवार्ड्स जो हैं आप लोग बटोर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? थैंक यू. Well, it's overwhelming. We started this journey with like a very small idea ki Leena aur main baith ke baat kar rahe the ki kuch karna chahiye saath. Aur aaj hum matlab yahan honge aur ye picture banegi aur itne sare red carpets pe matlab walk karenge and you know Ajay ji will support us like this and we'll have such a fantastic cast and crew from Russell Carpenter to Aseem Bajaj to Surveen, Radhika. Like it's overwhelming. Right. Surveen, this one's for you. मतलब एक्टिंग के तो जलवे हैं हर किसी के. वो आइटम सॉन्ग उसको देख के एवरीबॉडी इज लाइक डूड ये बहुत कुछ अलग हुआ है. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट. आई थिंक आइटम सॉन्ग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कहना. अच्छा, उसको अच्छा क्या है? प्लीज प्लीज बिकॉज़ आई प्ले अ नॉच डांसर इस फिल्म में. तो ये नाटक कंपनी जो यू नो गली गली शहर शहर जाती है ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो वहाँ पर ये नाचती है. और एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली वेरी वेरी यूनिक. इन फैक्ट एशले, he is the man. he was actually the best part about the experience. Ashley was actually the best part about the experience. And I think us mahol mein live aise perform karna, just to let yourself go and be, was absolutely amazing. Also, fantastic. Also talking about the colors, you know, it's very colorful. Yes. So pura yes. pura sare rangon ko ek saath bator ke aaya. Russell is not here amongst us. Yeah. He's a painter. He what an artist he is. And I think what you see, the stunning and stellar visuals that you see is all thanks to Russell sir for what he's done. He's brought in a heart to the film. Right. So I have to in fact on behalf of the entire team main bahut bahut dilo shukriya karna chahungi Russell sir ka, because there could have not been anybody better. हम लोग भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. ये इतनी कमाल की फिल्म आप हम लोगों के लिए लेके आए. यहाँ पे बड़े सारे सवाल होंगे. सो इट्स टाइम फॉर यू टू शूट योर क्वेश्चंस ओवर टू द मीडिया. हो जाए जी. प्लीज हैव अ सीट जी. अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड वी हैव बीन रीडिंग, बट व्हाई इज इट टेकन सो लॉन्ग टू रिलीज इन इंडिया? Logistics, finding the support for the release. That's why we are very thankful to It's Reliance. It's very sad के issue चाहे दुनिया भर का हो लेकिन फिल्म हमारे देश की है. और yeah, and that's why I'm saying it's very sad के हिंदुस्तान में शुरू करने के बजाय हमको दुनिया भर में शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में एक्सेप्ट करती हैं. और जब वहाँ से घूम के पिक्चर यहाँ आई है, अब हमें लगता है कि यहाँ भी एक्सेप्ट ज़रूर होगी. लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक जो ये मिथ बना हुआ है कि सिर्फ एक टिपिकल कमर्शियल फिल्में चलती हैं, आई थिंक वो आप लोगों को तोड़ना चाहिए. हम तो कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन अब वो ऑडियंस ही तोड़ सकती है. हाय लीना, मेरा सवाल आपसे है. आपके सवाल ये कि फिल्म के गाने भी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी. बड़े ही अनोखे गाने हैं और अलग तरीके का कॉम्पोजिशन है. ज़रा उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आपने फिल्म में काफ़ी वैरायटी है म्यूज़िक में. एंड हमारे फिल्म में बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, तो म्यूज़िक के म्यूजिशियन है हितेश सोनिक. आई डोंट नो इफ ही इज़ हियर. तो हितेश सोनिक के साथ मैंने एक्चुअली जर्नी, जब मैं स्क्रिप्ट लिखी थी तब से वो जुड़े हैं फिल्म पे.
and we have discussed everything. So he's involved in the film in many more ways than just music. And तो एक जो गाना आपने अगर सुना होगा बाईसा, दैट्स अ सॉन्ग दैट वी फाउंड इन राजस्थान, एंड वो गाना है इन द प्रेज ऑफ द गर्ल चाइल्ड. और अब जब फिल्में देखेंगे इट्स यूज्ड आयरोनिकली. तो जो हम लिप सर्विस करते हैं औरतों को और जो रियलिटी होती है वो जितनी डिफरेंट है. सो बाईसा इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट. माई रे माई एक गाना है जो हितेश ने कंपोज किया है, जो बहुत 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 खूबसूरत है. स्वानंद किरकिरे ने लिरिक्स लिखे हैं सारे गानों के. और दो जो सुरवीन के गाने हैं फिल्म में, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक, क्योंकि सांस्कृतिक मंच के नाम पे जो डांस कंपनीज घूमती हैं, दे आर एक्चुअली सेक्स शोज. सो दैट इज़ अ साइन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रेशन विच इज़ प्रेवलेंट इन आर सोसाइटी, विच वी आर इन डिनाइल ऑफ. तो दीज जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ही सेक्सुअल होते हैं. तो जो गाने आप देखेंगे फिल्म में वो आइटम नंबर्स नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी. एंड दोनों गानों में आप देखेंगे कितनी कहानी बढ़ रही है. तो इट्स बीन अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड एश्ली लोबो हैज़ बीन वेरी क्रूशल इन ऑल द सॉन्ग्स. इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद हितेश सोनिक. ही इज नॉट जस्ट द सॉन्ग्स, व्हेन यू हियर द बैकग्राउंड स्कोर यू विल नो व्हाट मैजिक ही इज डन. अजय सर, जब भी मुद्दों पे फिल्में बनती हैं, कोई मुद्दा आता है तो CVFC का जो रुझान होता है वो बहुत अजीब सा होता है. वो कई सीन काटते हैं और कहते हैं ये मत डाल. जितनी रियलिटी हम दिखा सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं. हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं और कई जगहों पे वो भी अपनी जगह सही हैं कि एक एक हद के बाद आप कुछ नहीं दिखा सकते. बट ये तो आई थिंक मेकर्स का मॉरल ये होना चाहिए कि उनको भी उससे ज़्यादा दिखाना नहीं है, जो कि लीना ने बिल्कुल इस फिल्म में किया. तो इस फिल्म में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं आई कि कुछ कटना चाहिए. हाँ, फिल्म ए सर्टिफिकेट ज़रूर डिज़र्व करती थी और हमने मांगा भी ए था और जो हमें मिला. अजय जी, सुनील दैनिक भास्कर से आपके एकदम फ्रंट में, आपकी फिल्म 24 फिल्म फेस्टिवल्स में राउंड करके आई है. आप खुद कितना फेस्टिवल आपको कितना अट्रैक्ट करते हैं जो होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, या अपने देश में अभी मामी भी शुरू होने वाला है? आई थिंक फेस्टिवल्स में ऐसी फिल्में दिखा के ये एक जरिया है जिससे आप अपनी फिल्म को पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है. तो फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी हैं, वरना ऐसी फिल्मों को स्क्रीन स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं बिलीव करता हूँ डेफिनेटली ऐसे फेस्टिवल्स को जो जेन्युइन फेस्टिवल्स हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा उन फेस्टिवल्स में जाएं. आप भी किसी फेस्टिवल में गए हैं या जाने की इच्छा रखते हैं या जाएंगे अभी? मैं ये सारी दुनिया घूमे मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं लंदन गया था, बट उसके अलावा मैं कहीं गया नहीं. जी लीना जी, आपसे प्रश्न है. इसका टाइटल तो आपने पास्ट रखा है और नीचे लाइन लिखा कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते, है ना? तो ये क्या विरोधाभासी बातें हैं या किस तरह की बातें आप देखते हैं टाइटल? और उस टाइटल एक्चुअली पार्च्ड है, जिसका मतलब है सूखा या प्यास. और फिल्म क्योंकि फेस्टिवल्स में पहले जा रही थी तो उसके लिए एक इंग्लिश टाइटल रखा था. तो इसलिए ये टाइटल, फिर हमने सोचा क्योंकि फिल्म के बारे में इतनी बात हो गई तो हमने सोचा वो टाइटल नहीं चेंज करेंगे. पर उसके एक सपोर्ट में, एक्चुअली बेल्जियम में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उन्होंने हमसे एक श्लोक मांगा था टू पुट इट ऑन द पोस्टर, तो तभी ये श्लोक हमको मिला, ये मिला हमको. तो इसलिए उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके पास्ट के साथ लगा दिया. लीना जी, मैं खड़े होके आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई. रोंगटे खड़े कर देती है इसका जो ट्रेलर है. थैंक यू. और मुझे खुशी है कि मैंने आपके साथ काम किया है. मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे कि जिस तरह से जो महिला विमुक्ति आंदोलन हमारे देश का भी है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या कुछ मंचों पर सीमित हो जाता है, क्या आपकी ये फिल्म उससे आगे बढ़कर महिलाओं के लिए कुछ एक अच्छी नई सोच पैदा करेगी? फिल्म से हम ये मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि सोसाइटी चेंज हो सकती है, पर डेफिनेटली डिस्कशन शुरू हो सकता है. तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ फिल्म देखिए और डिस्कस कीजिए. अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, एटलीस्ट ब्रिंग थिंग्स आउट, थिंग्स दैट यू अग्री विद, डोंट अग्री विद, क्योंकि डिस्कशन इज़ ऑलवेज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेंज. और ये अजीब बात है, नॉट अजीब एक्चुअली, बहुत सही बात है कि मैं पूरी दुनिया घूमी उस पिक्चर के साथ और कितने Q&As किए हैं मैंने.
हर जगह पे लोगों ने कहा ये हमारी कहानी है, मतलब एंड दैट इज एक्चुअली डिप्रेसिंग ऑल्सो कि सबसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में भी ये बोला जा रहा है कि अभी तक हमारे साथ यही हो रहा है. अमेरिका, स्वीडन विच इज़ द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, वहाँ पे औरतों ने मेरे से कहा वी नो वी आर द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री बट कहानियाँ सेम है यहाँ पे.